अपन पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x नाम का फंक्शन ई पर मैक्सिमम देता है। तो पाई यहां कहीं होगा, तो सिंपल सी बात है कि एफ ई बड़ा है एफ पाई से, तो e की पावर 1/e बड़ा है पाई की पावर 1/π से। पावर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो e की पावर पाई बड़ा है। जब से हमसे कह रहे हैं कि पीछे वाला छोटा है, गलत, हम इसको टिक नहीं करेंगे। फिर 2008 और 9, तो सिंपल सी बात है कि 2008 इधर आएगा और 2009 आगे होगा, तो 2008 की पावर 1/2008 बड़ा है 2009 की पावर 1/2009 से। पावर को फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2008 की पावर 2009 बड़ा हो गया 2009 की पावर 2008 से। तो 8 की पावर 9 बड़ा, हाँ बड़ा, तो इसको टिक लगा देंगे। इसे देखते हैं, e मतलब 2.71 और 5/2 मतलब पहले, तो f e तो वैसे ही सबसे बड़ा है, तो e की पावर 1/e बड़ा है 5/2 की पावर 5/2 से। तो e की पावर 5/2 बड़ा है 5/2 की पावर, तो ये भी सच है। अब 7/4 मतलब कितना, 1.75, और 5/3 मतलब 1.6 पहले आएगा फिर कौन आएगा, यानी कि f की 7/4 बड़ा है f 5/3 से। भाई वो उस तरफ बढ़ रहा है ना, तो 5/3 की पावर 1/5/3 छोटा है 7/4 की पावर 1/7/4 से। तो 5/3 की पावर 7/4 छोटा हो गया, 7/4 की पावर 5/3 बड़ा हो गया। ये छोटा और यही क्वेश्चन मैं कल बोल रहा था आपको, लिखो साहब जल्दी। वो पिछली क्लास का जो क्वेश्चन था लॉग वाला, जिसमें अजीब अजीब सी बातें करी थी अपन ने कि डिक्रीजिंग है तो अंदर वाली चीज को डिक्रीजिंग रखो तो ओवरऑल इंक्रीजिंग हो जाएगा, उसमें हिमांशु भैया का कहना है कि डिफरेंशिएशन करने से वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मगर आंसर नहीं आ रहा ना, तो अलग आ रहा है तो फिर क्या। अब वो तुम जानो, मेरा आंसर सही है। तो आप सभी लोग डिफरेंशिएशन से भी करके देखना और क्या गड़बड़ हो रही है, सभी लोग एनालिसिस करना, फिर परसों ट्यूसडे के दिन मुझे बताना। अभी हेडिंग डालो, एक मिनट सोचो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। आइए देखिएगा, सुनिए, हमने कहा कि एक फंक्शन है एफ एक्स 2 sin x + 10x - 3x, हम इसे उठा के इधर ले आए, तो अब हमें इसको क्या प्रूफ करना है, ग्रेटर देन जीरो। ध्यान देना कंसेप्ट पे, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया 2 cos x + sec² x - क्या
हाँ, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस 1 अपॉन cos² x -3। देखते रहना भाई बोर्ड पे, एफ डैश एक्स cos² x 2 cos³ x -3 cos² x प्लस 1, ये चीज इससे यहां लिख दी मैंने, ठीक है। अब इसमें रख कर देखो, कुछ फैक्टर बनाना है तो कॉस एक्स बराबर 1 देखना सेटिस्फाई हो रहा है क्या। हो रहा, हो रहा। तुम सीधे होके बैठो आरिफ। अरे यस, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि सी बराबर 1, तो सी माइनस 1 इसका फैक्टर, तो सी माइनस 1 से डिवाइड लगाया 2c³ माइनस 3c² प्लस 1 को, तो 2c² से मल्टीप्लाई किया तो 2c³ माइनस 2c² माइनस c² प्लस 1 माइनस c, तो माइनस c² प्लस c माइनस c प्लस 1, सही है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसे c माइनस 1 2c² माइनस c माइनस 1 अपॉन c² अब इसके दोबारा फैक्टर बन जाएंगे c माइनस 1 2c² माइनस 2c प्लस 1 c माइनस 1 अपॉन c² सी माइनस 1 2c प्लस 1 सी माइनस 1 अपॉन c². अब जरा सोचो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और 2 cos x प्लस 1 अपॉन क्या। अरे हाँ, ध्यान से देखो, कॉस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि क्या, cos² x मतलब, एंड एक्स यदि सिर्फ 0 से पाई बाई 2 है तो कॉस एक्स कहां से कहां तक होगा, तो 2 cos x कहां से कहां तक होगा, 2 cos x प्लस 1 भी पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव फॉर गिवन एक्स, जो एक्स दिया है उस एक्स के इलाके में इसका डिफरेंशिएशन क्या है, पॉजिटिव, यानी कि एफ हुआ इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यदि तुम्हारा एक्स 0 से बड़ा है तो एफ 0 से बड़ा कौन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन में टेकिंग एफ करने पर चिन्ह नहीं बदलता, डिक्रीजिंग होता तो चिन्ह पलट जाता। अब 0 मतलब क्या, 0 0 0, 2 sin x प्लस 10x माइनस 3x, और ये 3x उठ के इधर आ गया, हेंस प्रूव्ड, एकदम नई चीज नया अंदाज, इसलिए कल की क्लास में इसको स्टार्ट नहीं किया था। तो इसको बहुत देर तक देखो, दिमाग में सेव करो और लिखते समय ऊपर मत देखो, अगला क्वेश्चन ज्यादा उलझा हुआ है, उसमें से -3x करना जरूरी थोड़ी है कि पॉजिटिव दे, या तो स्लोप बनाओ आप।
वैसे आंखों आंखों में करना हो तो एक तरीका और है, इस एक्स को और डिवाइड में भेज दो, तो 2 sin x / x प्लस 10 x / x और लिमिट x→0 लगा दो। मगर आईआईटी जब थ्योरिटिकल हुआ करती थी उस समय वो इस सॉल्यूशन को मानती थी, आप समझ रहे हो बातों को, इसलिए मैंने ये बताया। आओ देखें, देखना साहब, -1 से छोटा नहीं रख सकते क्योंकि डोमेन में मना है, एग्जैक्ट -1 भी नहीं रख सकते, यहां डोमेन में मना है, दोनों जगह मना है। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका वहीं के वहीं स्क्वायर, इसका 1 1 + x - आइए गेम समझना, एफ डैश एक्स का वेवी कर्व 0 के उधर पॉजिटिव और इधर, तो एफ एक्स कैसा होगा? अब बड़े ध्यान से समझना बाबू, एक्स -1 से बड़ा है या एक्स छोटा है 0 से? क्या एक्स छोटा है और -1 से तो बड़ा रखना ही है, तो एफ 0 और इधर पे क्या? ये चिन्ह का क्या होगा, पलटेगा कि वैसा का वैसा रहेगा? हेलो, पलटेगा क्योंकि डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ln 1 + x - ऐसा, तो ln 1 + x बड़ा हो गया x/1 + x से, तुम्हारा अधूरा आंसर आया था, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0 भी आंसर का हिस्सा हो गया। अब उस तरफ चलते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग है, तो एफ 0 और एफ एक्स चिन्ह नहीं पलटेगा। तो फिर से 0 से बड़ा हो गया, ln x 1 + x -x/1 + x, तो फिर से ln 1 + x बड़ा है x/1 + x से, तो ये हो गया 0 से इन्फिनिटी। यानी कि होल डोमेन यदि यहां इज इक्वल टू होता तो 0 भी आंसर हो जाता। तो एक मेथड ऐसा होता है कि इस प्रकार के सारे क्वेश्चन में काम आ जाता है। ओ हेलो, बोर्ड पे देखना भाई, भैया ध्यान से देखना, हाँ बड़े ध्यान से देखना भाई, वो लिखाई छपाई क्या कर रहा भाई, इधर देख। हमें इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव प्रूव करना, मेरा एक्स 0 से 90 डिग्री पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये क्वांटिटी कैसी हुई? तो मैं उसको क्यों लेके चलूं टांग के, मैं सिर्फ इसको पॉजिटिव प्रूफ करूंगा। मैंने ये फंक्शन माना, हम जानते हैं कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और ये इंक्रीजिंग होना चाहिए 0 से π/2 में, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया।
टेन एक्स का चुपचाप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस क्या। अब इससे तो हमें कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, इसका एक बार और कर दिया। ये ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, टेन मतलब क्या, साइन अपॉन कॉस। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, प्लस सेक स्क्वायर एक्स चुपचाप साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस, अब सेक स्क्वायर का करेंगे तो टू सेक एक्स और फिर सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, बगल में साइन एक्स चुपचाप माइनस टू एफ डबल डैश एक्स। ध्यान से देखो साहब, ये जो कॉस एक्स है ना उसे मेरी आंखों से देखो और इसे भी मेरी आंखों से देखो। वो आखिरी वाला माइनस टू है ना उसे तुम ऐसा देखो प्लस टू सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स साइन एक्स। ये सब के सब पॉजिटिव क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है और प्लस साइन है। अब ये क्वांटिटी क्या हो गई, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस वन अपॉन रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस कुछ पॉजिटिव। तो ये किसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर और कुछ पॉजिटिव, तो ये ओवरऑल क्या हो गया। अब इसके बाद एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ डैश एक्स कैसा इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग और एक्स हमार जीरो से बड़ा, तो एफ डैश जीरो से बड़ा एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या था, ये रहा जीरो वन जीरो 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 से बड़ा कौन, यानी कि एफ डैश एक्स भी क्या हुआ, इसलिए एफ एक्स इंक्रीजिंग। फिर से टेकिंग करूंगा ये एफ एक्स था तो ये जीरो से बड़ा क्या, हेंस प्रूव्ड। मेथड टू भी है मेरे पास, आप इसे लिखिए, साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्राफ याद कीजिए। और आगे भी है, इसकी हाइट कम होती जाएगी एन पाई पर, हाइट कम होगी चौड़ाई तो पाई ही रहेगी। एक्स अपॉन टेन एक्स बताओ, पाई बाय टू भी इंक्लूड नहीं करेगा, इन दोनों की शक्ल मैच हो रही है थोड़ी थोड़ी। टेन एक्स
अपॉन एक्स सोचिए, पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, फिर आया पाई, तो ये इसका हुआ एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्स अपॉन साइन एक्स। सिंपल सी बात है, ये भी इन्फिनिटी होने वाला है, मगर कब? तो थोड़ा होले होले चलेगा वो, इसको जल्दी इन्फिनिटी हो जाना है। तो शू, तो किसी भी एक्स पर ये बड़ा है उससे, वो यहां पर वन देगा या क्या पता, हाँ जीरो देगा, और वो यो नीचे जा रहा होगा। मेथड टू करके चारों ग्राफ बनाना। इस पर मैंने गिफ वगैरह भी लगाना सिखाया था, होल गिफ उन दोनों पे। इस पे गिफ लगाओगे लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो करके तो वन आंसर आएगा, क्योंकि वो वन प्लस है और वो दोनों वन माइनस है, तो गिफ लगाने पे जीरो होंगे। ओवरऑल मल्टीप्लाई पांच है, सुनना, वो है यहां पांच लिखा है और गिफ है, तो आंसर चार आएगा। यहां पांच है और गिफ है तो चार आएगा, यहां पांच है और गिफ है तो पांच आएगा आंसर। अब एक काम करो, इससे मिलते जुलते दो क्वेश्चन और है, या तो उसको घर पे कोशिश करना या डायरेक्ट याद रखना। यस मालिक, लिखिए। सभी पॉजिटिव एक्स के लिए ये सच है, ये तीन लिखो भाई। तीसरा ज्यादा ध्यान रखना, हिंदी में आपसे कह रहे हैं कि एक फलन एफ एक्स है एक्स का, और पहले वो तीन शर्त माने तो उस पर रोले अप्लाई होगी, रोल्स अप्लाई होगी। तो उसकी तीन कंडीशन, एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल। कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरी बात, ए और बी पे इक्वल हो। तो अब आगे लिखिए, तो हमें जरूर ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट मिलेगा जहां फंक्शन का स्लोप जीरो है। और ये कोई नई बात और बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, बोर्ड पे देखना था। एफ बी इज इक्वल टू स्टार, ए पर और बी पर फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है, मतलब नुकीला नहीं है, तो ये फंक्शन पक्की बात ऊपर जाएगा तो नीचे आना ही पड़ेगा। तो इसे ही तो कहते हैं मैक्सिमा। और यहां स्लोप क्या होता है, या फिर वो नीचे जाके ऊपर आएगा तो कम से कम एक बार स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो, या फिर कई बार ऊपर नीचे होगा तो स्लोप क्या होगा, जीरो। तो हमें सी वन सी टू कई वो पॉइंट मिलेंगे जब स्लोप जीरो होगा। कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, मगर इस पर आने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। लिखे जल्दी, स्टार लगा के लिखो। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू,
कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। ठीक है, लिखिए इसका मतलब। यदि किसी सी पर एफ डैश एक्स जीरो है, जरूरी नहीं कि रोल्स की रोले रोल की ऊपर वाली तीन कंडीशन सही हो जाए। भाई कन्वर्स शब्द का मतलब मैंने बताया, रोल की सही सही थ्योरम क्या है, ये तीन कंडीशन अप्लाई होगी तो एफ डे सी जीरो होगा। कन्वर्स का मतलब एफ डे सी जीरो हो तो वो तीनें सही होंगी क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फंक्शन टूटा पड़ा हो, स्टार लगा के लिख दीजिए, किसी कांस्टेंट फंक्शन में रोल्स के इनफाइनाइट सी मिलेंगे। भाई कोई कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा आंसर पांच दे रहा है, तो ए पे भी पांच दिया, बी पे भी पांच दिया, और ऐसे भी हर जगह पांच ही पांच दिया, तो स्लोप जीरो है ना, कांस्टेंट है वो। अब कुछ प्यार भरे हल्के फुल्के क्वेश्चन कीजिए, मेरी बात सुनो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, स्कूल में एग्जाम दे रहे हो तो लिखना पड़ेगा जो मैंने बोला अभी। एक्सपोनेंशियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सो देयर प्रोडक्ट आल्सो कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल ऑलवेज। नाउ थर्ड कंडीशन, एफ माइनस थ्री, माइनस थ्री जीरो क्या हो गया, एफ जीरो जीरो फिर हम लिखेंगे रोले की तीनों कंडीशन इस फंक्शन ने मान ली, अब हम सी ढूंढेंगे, तो एफ डैश सी क्या हो जाना चाहिए। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करो, बोलो वन एक्स प्लस थ्री, तो e की पावर माइनस एक्स बाई टू कॉमन, एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स एक्स प्लस थ्री माइनस वन बाई टू, तो e रेस टू द पावर माइनस सी बाई टू, टू सी प्लस थ्री प्लस सी स्क्वायर प्लस थ्री सी अपॉन, देखना सही लिखा है क्या, चेहरे से हाथ हटाओ, ये जीरो घुस गया, ये उठ के सामने चला गया। हमारे इलाके में ये है ये नहीं है, तो हम कहेंगे भाई कम से कम एक तो मिला। सरल प्यार भरा क्वेश्चन, अगला कीजिए भाई। जिनको अभी ट्वेल्थ देना है वो तीनों चारों स्टेटमेंट लिखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एंड देयर कोशेंट आल्सो डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। नाउ चेकिंग एफ जीरो एफ पाई, बात ना करो, क्या फर्क पड़ेगा उससे ये बता तुम तो। इसके बीच में होता है पाई बाई फोर, खत्म। अगला करिए, इसमें क्या लिखेंगे स्कूल वाले, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता ही है। नाउ चेकिंग एफ जीरो एफ टू, तो मेरे ख्याल से दोनों ही फाइव फाइव आ जाएंगे,
और फिर बढ़िया डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू जीरो कर दीजिए। जब इज इक्वल टू जीरो करो तो सी की टर्म्स में ले आना एफ डैश सी। मैंने पिछले क्वेश्चन में एफ एक्स लिखा रेन दिया था, वो गलत माना जाएगा। तो ये आ जाएगा जीरो से टू के बीच में, और मेरे ख्याल से दूसरा भी आ जाएगा, दोनों ही आ गए। एक ठो और कीजिएगा, बोलो इसका डिफरेंशिएशन। अरे इसका डिफरेंशिएशन बोलो, रोले नहीं लगेगी। ये पॉलिनोमियल थोड़ी है, इसकी पावर अटे बटे में। लिखो इसको, मतलब वेरीफाई का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वेरीफाई हो जाएगा, हमको चेक करना है होगा कि नहीं होगा। एक्स क्यूब का स्लोप जीरो होता है, जीरो पे आपने रोटेट भी कर दिया तो क्या होगा ग्राफ। अभी तक तो ये सरल सरल थे, अगला कीजिएगा। बोलो साहब आंसर बोलो। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हा एफ डैश एक्स, बोलो साहब, वन इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर एन प्लस एक्स एन एक्स माइनस थ्री की पावर एन माइनस वन। सी कितना है साहब? थ्री बाई फोर, सही है क्या? थ्री बाई फोर माइनस थ्री की पावर एन माइनस वन कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा देखना, ऐसा बचा क्या? एन भी तो होगा जिंदगी में। अरे यस, तो ये तो जीरो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसी को जीरो होना है जिंदगी में। कितने लोग सफल? हेलो, उरी वड्डे लोग है, अच्छे से तो हाथ उठाओ। उरी क्या नाम भैया का? सावन, वो गाना है एक महिला ने गाया, सावन को आने दो, वो तुम्हें नहीं बुला रही कि तुम उसकी खुशी में पढ़ाई करने बंद कर दिए। हाथ नीचे करो। पिछले साल एक बच्चा पढ़ता था हमारे यहाँ, उसका नाम मौसम पाटिल, तुम्हारा नाम सावन है। ठंडी गर्मी भी है क्या घर में है? अरे हाँ ना। अगला क्वेश्चन कि हिंदी में कह रहे हैं कि e की पावर x cos x बराबर 1 के जितने भी मूल होंगे किसी भी दो मूल के बीच में एक मूल अवश्य मिलेगा e की पावर x sin x माइनस 1 बराबर 0 का। कितने लोग सफल हो गए? ये एक भी नहीं हुआ। अब खास बात मालूम क्या है? आपको मालूम है कि आप रोल्स थ्योरम पढ़ रहे हो और इस क्वेश्चन में रोल्स लगेगी, मगर जब आप फाइनल परीक्षा दे रहे हो और ये क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग में ये विचार आ जाए कि लाओ मैं रोल्स लगा दूं, तो भी बहुत बड़ी बात। इसमें कहीं नहीं लिखा कि रोल्स लगेगी, वो तो बस अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब किसी बच्चे को आपने एपी पढ़ाया, सिर्फ एपी पढ़ाया और टेस्ट हुआ, अब नीचे ऑप्शन लिखे ये सीरीज कौन सी है, एपी जीपी एचपी। समझदार बच्चा कहेगा भैया एपी पढ़ाई है तो एपी होगी, और टिक लगा देगा बिना सोचे। सही बात है,
जीपी और एचपी का ऑप्शन यदि सही हो रहा है तो फिर तो आउट ऑफ सिलेबस को पेपर कहलाएगा, मगर जब सब कुछ पढ़ लिया हो फिर तो दिमाग लगाना पड़ेगा। दीदी पेन ही फेंक दी तुमने क्या? गिरी हुई पेन नहीं उठाती। हाँ, इसीलिए वो चीज बहुत अच्छी होती है कि जिंदगी में कम से कम दो हो, तो एक गिर जाए दूसरी बुला लो, क्यों है कि नहीं? अरे पेन की बात कर रहा हूं, आप लोग क्या समझ रहे थे? हाँ? अच्छा। ओए देख इधर, इसके रूट्स क्या हैं? X1 और ऐसा हमने माना, यानी कि ध्यान से सुनना, ये जो मेरा फंक्शन है वो कंटेन करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाथ से चेहरा हटाओ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों ही कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो उनका सम या डिफरेंस भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ही होगा। और X1 रखने पर भी ये क्वांटिटी जीरो, X2 रखने पर भी ये क्वांटिटी जीरो, रोल्स लगा सकता हूं। तो F-X बताइए क्या होगा? ये सी X1 X2 पर जीरो होगा, यानी कि X1 X2 के बीच में इसका एक रूट उपलब्ध होगा रोल्स के अनुसार। इसको आप थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, माइनस साइन एक्स इज प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर जीरो एट सी। तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन ई की पावर एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू वन ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस वन बराबर जीरो एट सी, हेंस प्रूव्ड। कितने लोग सफल? अब तुम देखो, हाँ खड़े हो जाओ, क्या नाम पहले तुम्हारा ये बताओ? आर्यंस पवार, बहुत सारे आर्यन इकट्ठे हो गए। हाँ मान लिया, किस में क्या सेटिस्फाई कर दे? सी कहाँ से निकलेगा? तो वो इसको कैसे खुश करेगा वो? तो पीडेस सी का क्या? हाँ तो ये जीरो हो गया, अब इसका क्या होगा? हाँ काय को जीरो आएगा? पीएक्स जीरो होता है ए और बी पे, सी पे काय को जीरो होने लगेगा? वो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। आर्यों का नाम बदनाम कर रहे हो तुम। आर्य वो है जिनको हिटलर भी सैल्यूट करता था। हाँ खड़े हो जाओ शुभम तोमर, जोर से बोलो, रूट्स का नहीं, मजा नहीं आया, बैठो तुम। अब आप देखो, मैं करता हूं, देखना साहब, आप तो कंसेप्ट देखना। माना एफएक्स है ई रेस टू द पावर 100x इंटू पीएक्स। मैंने फंक्शन क्या माना? ऐसा माना, ठीक। ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल पहले से ही कहा है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल होता ही है, तो
तो रोले की फर्स्ट कंडीशन मान ली, सेकंड मान ली, और थर्ड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू जीरो बिकॉज ई की पावर 100 ए और ये क्या है पी ए, तो पी ए जीरो है ना, पी ए क्या है, फिर ई की पावर 100 बी पी बी ये भी क्या है, इसका मतलब एफ ए एफ बी भी जीरो, तो रोल्स अब एफ में लगेगी, तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स ई रेस टू द पावर 100 एक्स पी डैश एक्स फिर ई की पावर 100 एक्स का किया, तो ये सी पर क्या हो जाना चाहिए जीरो, और सी कहां होना चाहिए, तो एफ सी जीरो हो जाना चाहिए एफ डैश सी, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू ई की पावर 100 सी कॉमन पी डैश सी प्लस 100 पी सी बराबर जीरो, ये चीज तो जीरो होगी नहीं इसलिए बची हुई चीज जीरो, मतलब आईआईटी ऐसे डील करेगी कि तुम सोचते रह जाओगे और ऐसे ऑप्शंस होंगे, मतलब ये लिख के ऑप्शन बीच में माइनस लिख के ऑप्शन ऐसा हाँ? प्रैक्टिस मैक्स हाँ, तुम सोचो तो सही, ये ट्यूबलाइट की रोशनी है यहां पर है, तो पहले तो ये सोचना था कि बिजली की खोज करनी है, फिर सोचना था कि बल्ब बनाना है, वो कोई मदद तो कर नहीं रहा है, तो एक्सपेरिमेंट 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 प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पहिए की भी खोज करनी है, दो पहिए की साइकिल भी बनानी है और उसको बैलेंस भी करना है, तुम सोचो तो सही, तुम्हें साइकिल सिखाता है कोई सुनो, और तुम्हें मालूम है कि हाँ दो पहियों पे साइकिल चलती है टिकती है चलती है गिरते नहीं है हम, फिर भी सीखने में एक दिन तो लग जाता है, दिन भर की प्रैक्टिस, घुटने भी फूटते हैं, तुम उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने दो पहिए की साइकिल की खोज करी और खुद ही पहली बार उसको बैलेंस करके चला रहा था, आप समझ रहे हैं बात को, ऐसी ही अलग अलग खोज से रिलेटेड किताब है मेरे पास, आज तो मैं नहीं दे पा रहा हूं आपको क्योंकि संडे आ गया, मैं ट्यूसडे को जरूर दे दूंगा, क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख भैया, अपन ब्रेक ले लेते हैं 15-20 मिनट में मिलते हैं।